नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8i वर्सेस Oppo A53s 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8i में 6.46 इंच जबकि Oppo A53s 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Realme 8i में 2.97 इंच जबकि Oppo A53s 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8i में 0.33 इंच जबकि Oppo A53s 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8i में 194 ग्राम्स जबकि Oppo A53s 5G में 189.6 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Realme 8i में 20:1:9 जबकि Oppo A53s 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 8i में 6.6 इंचेस जबकि Oppo A53s 5G में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 8i में 1080x2412 और Oppo A53s 5G में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 8i में 84.88% जबकि Oppo A53s 5G में 82.67% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 8i में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Oppo A53s 5G में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8i में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A53s 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 8i में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo A53s 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 8i में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Oppo A53s 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8i में MediaTek Helio G96 और Oppo A53s 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 8i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Oppo A53s 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 8i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Oppo A53s 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 8i में अप टू 256GB जबकि Oppo A53s 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 8i में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Oppo A53s 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 8i में 3 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A53s 5G की तो उसमें 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme 8i आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme 8 है जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8s 5G है जो कि 17,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।